डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये एनसीईआरटी का मैथ क्लास सिक्स का मैथ है, एक्सरसाइज 7.4। इसके पहले के जितने भी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम लोग आज इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें व्हाट प्रॉब्लम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। इला रेड 25 पेजेस ऑफ ए बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। इला एक 100 पेज वाली बुक जो है उसको 25 पेज पढ़ लेती है। ललिता रेड, ललिता भी उसी बुक को 2/5 ऑफ द सेम बुक। तो ललिता जो है उसी किताब को 2/5 पार्ट पढ़ती है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे पेज में दिया हुआ है नंबर ऑफ पेज, और यहाँ पे उसी चीज़ को 2/5 मतलब फ्रैक्शन में दिया हुआ है। हु रेड लेस, तो इसमें से कम कौन पढ़ती है, तो कौन कम पड़ती है इसको पता करने के लिए क्या करना होगा, हम लोगों को या तो ये वाला नंबर फ्रैक्शन में चाहिए या फिर ये फ्रैक्शन वाला नंबर इस तरह का पेज में चाहिए, इससे पता चल जाएगा हम लोगों को। तो इस तक इसको हम दो तरह से बना सकते हैं, या तो हम इसको फ्रैक्शन बना लें, कन्वर्ट कर लें, या फ्रैक्शन को हम पेज में कन्वर्ट कर लें। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे इला कितना पड़ती है, इला रेड 25 पेज, ठीक है। तो किसका 25 हुआ, 100 का, ठीक है, 100 का 25 पेज पड़ती है। और ललिता कितना पड़ती है, तो ललिता रेड फ्रैक्शन में दिया हुआ है 2/5 ऑफ 100, उसी वही बुक है, 100 पेज का है। तो 2/5, 100 का 2/5 कितना हो जाएगा, पेज में है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको जो है हम पेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2/5 ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 100 दे दिए, तो ये हो गया, 5 से कट गया, कितने बार में, 20 बार में। तो 22 जा कितना हो गया, 22 जा 40 हो गया, इसका मतलब 40 जो है वो पेज आ गया, ठीक है। तो इला जो है वो 25 पेज पढ़ती है और ललिता जो है वो 40 पेज पढ़ती है, इसका मतलब ज़्यादा कौन पढ़ रही है, ललिता ज़्यादा पढ़ रही है। और यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लेस मतलब कम कौन पढ़ती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इला हो जाएगा, इला रेड लेस, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, रफीक एक्सरसाइज्ड फॉर 3/6 ऑफ एन आवर। रफीक एक घंटे का इतना पार्ट, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इतना पार्ट वो एक्सरसाइज करने में टाइम लेता है। वाइल रोहित, जबकि रोहित इतना पार्ट, एक घंटे का इतना पार्ट लेता है 3/4। हु एक्सरसाइज्ड फॉर ए लॉन्गर टाइम, तो इन दोनों में से कौन अधिक देर तक एक्सरसाइज करता है। ऐसे सिंपली जब दोनों फ्रैक्शन ही दिया हुआ है तो हम लोग तुरंत पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, इसको जैसे कंपेरिजन करते थे, 6 3 18 हो गया और 4 3 12 हो गया, तो इधर 12 आ रहा है, इधर 18 आ रहा है, तो ये फ्रैक्शन का वैल्यू ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब है कि रोहित जो है ज़्यादा समय तक एक्सरसाइज करता है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको, यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले यहाँ पे हम दिखा देते हैं, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। सबसे पहले हम लोग रफीक का समय निकालते हैं, वो कितना देर तक एक्सरसाइज करता है। तो रफीक एक्सरसाइज्ड फोर 3/6, इसका दिया हुआ है 3/6 ऑफ 1 आवर, तो 1 आवर का मतलब है 60 मिनट। तो इसको हम लोग 60 मिनट में कन्वर्ट कर लिए हैं, तो कितना मिनट हो गया, मिनट में जब हम कन्वर्ट किए हैं तो इसका आंसर भी मिनट में ही आएगा। तो 3/6 हो गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 60, तो ये कितना बार में कट गया, 10 बार में, तो यहाँ पे 10 3 30 मिनट, मतलब रफीक जो है वो 30 मिनट एक्सरसाइज करता है। अब हम लोग निकालते हैं रोहित का, रोहित एक्सरसाइज्ड
एक्सरसाइज फोर कितना देर करता है, तो थ्री बाय फोर ऑफ 60 मिनट, तो 1 आवर का, तो इसका कितना वैल्यू निकल रहा है, 3/4 ऑफ 60, तो ये कट रहा है कितना, 15 + 30 = 45 + 15 = 60, 15 बार में कट रहा है, तो 15 × 3 = 15 = 45, 45 मिनट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 30 या 45 कौन बड़ा है, बड़ा है 30, छोटा है 45, बड़ा है। इसका मतलब क्या है, रोहित अधिक देर तक एक्सरसाइज कर रहा है, तो रोहित एक्सरसाइज्ड फॉर ए लॉन्गर टाइम, तो ये आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 9।